हथियार बना लिए तो हमारी जीत होगी, अगर उसे पहले पता चल गया तो फिर हार। कौन है? अगर उन्होंने बारूद बना दिया तो मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। इससे पहले के मुझे तुम्हें बताना था कि जब तुम पत्थर की थी तब क्या हुआ था। पिछले 5 सालों से लेकिन आज यहाँ इस नई पत्थर की दुनिया में जहाँ हम कहीं भी नहीं जा सकते, मुझे रिहा मगर मैं समझती हूँ। हमें अपने सिविलाइजेशन को वापस लाना होगा। बिल्कुल करने दूंगी, हम दुनिया को पहले जैसा बनाएंगे। आकर बारूद बनाना है, चलो अब शुरू करें हमारा बारूद कुकिंग शो। जो लकड़ियाँ जलाकर जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। हमारा वक्त बचाने के लिए मैंने ये पहले ही बना कर रखा है। तुम्हें मिलते हैं 100 करोड़ पॉइंट्स, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयले। मेरा नाम है मैकासेंकू, मेरी दी हुई रेसिपी पूरी तरह सच्ची है, इससे कसली छोड़ दो। तुम्हें लगता है ये करना सही होगा? हो सकता है तुम सही कह रहे हो। चिंगारी निकालने वाले पत्थर अलग, ठीक है। मेंट करते हुए अपने हाथ पैर खो दिए हैं। ये बेहद जानलेवा भी हो सकता, कोई बेरहम हत्यारा नहीं है जो यूं ही किसी को मार दे। ताइजू, याद है उसने क्या कहा? मैं सही समझाना? बिल्कुल सही। एक बात समझ लो, यहाँ को लेकिन अगर हम सुकासा से कोई सौदा नहीं कर पाए तो फिर हम मारना पड़ेगा। देर सवेर हमें पक्का ढूंढ ही लेगा। एक धुएं का सिग्नल, क्या ये सुकासा है? नहीं, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमारे किए हुए धुएं का जवाब है। यानी कि हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो, और भी लोग हैं? तो फिर जल्दी से हमें आग बुझानी होगी। अरे हाँ, उससे पहले हमें और सिग्नल्स भेजने होंगे। मैं समझ गया, लेकिन अगर से कम लॉजिकल हिस्सा यानी मेरा मन मुझसे कह रहा है अगर हम अभी आग जलाते हैं तो उसे जला दो, सिग्नल और तेज कर दो। रहा है, इसमें कोई भी जलने वाली चीज डालो। तो ठीक है, मैं जाकर लकड़ियां ले आता हूं। उन शेल से ही पता चल गया था। उसे इस्तेमाल करने के 4 बहुत ही खास तरीका है साइंस के हथियार। ये सोचना आसान है, जैसे कि ढेर सारा पोटेशियम नाइट्रेट बनाना। अगर साइंस के हथियार बन गए, अगर तुमने साइंस के हथियार को बना दिया और पुरानी पीढ़ियों को जतराज नहीं, तो अब इसके लिए तुम मेरी बलि चढ़ाने वाले हो। रेसिपी देने की जहमत उठाओगे? नहीं पड़ेगा, यहाँ पर लड़कियों की कोई कमी नहीं। दूर दफना दिया होता, इस तरह कोई भी इसे बंधक नहीं बना पाता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्याल मुझे तुम खुद को लॉजिकल कहते हो, पर तुम्हारे पास इनको ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस दुनिया में बाल धोना एक जब तक इससे मिरेकल लिक्विड की रेसिपी नहीं मिल जाती तब तक ये सुकासा तुम्हें मार ही नहीं सकता। तुम समझ है, पहले गुफा में मिलने वाले मिरेकल लिक्विड को फिल्टर करना है, एक पत्थर के पंख पर उसे डालते हुए फाइन ट्यून करना पड़ेगा। इतनी लकड़ियां काफी होंगी। तो तुम सिविलाइजेशन को बढ़ावा देते रहोगे? क्या तुम वादा करते हो अब से लेकर हम मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। यानी बड़े होने के बाद तुम नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है।
मुझे पूरा यकीन है कि सेंटा क्लॉज तुम्हें तुम्हारे जरूरत की सारी चीजें देंगे। ग्लास की रोशनी से हम चीजों को जला सकते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट है। इंजेक्टर के लिए रखी हुई लिक्विड ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर 1000 करोड़ % तक उबलती है और ठंड होने पर अब ये क्या है? ये एक एबलेटर है, इस्तेमाल ना। होता है। अपनी ही जैसी डॉल को देखकर बड़ा ही अजीब सा लग। नाकामयाब हो गए। पूरी तरह से नहीं। तुम साइंस का सही इस्तेमाल करके जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। तुम साइंस को छोड़ दोगे? मैं इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझे कभी ना कभी मारने ही वाले हो, चाहे मेरा जवाब कुछ भी हो, ताकि मैं रास्ते से। तुम फिक्र मत करो, मैं एक ही वार में तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सेंकू! सेंकू, तो शायद